बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द लीड्स एकेडमी गोजरा। अच्छा भाई, जो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे लेक्चर नंबर 4, तो आज हमारे पास जो है वो लेक्चर नंबर 5 है। ये जो टॉपिक है हमारे पास है, ये फील्ड ऑफ फोर्सेस के रिलेटेड है। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो चार्ज को डिस्कस किया था, फिर हमने चार्जेस के नेचर को डिस्कस किया था, फिर हमने लॉ ऑफ चार्जेस पढ़े थे, उसके बाद हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था, उसको हमने पूरा एक्सप्लेन किया था। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है फील्ड्स ऑफ फोर्सेस। यहाँ से अगर समझा जाए तो हमने देखना है कि फील्ड और फोर्स और इनका आपस में रिलेशन क्या है। मसलन चार्जेज है, चार्ज आपने गिर जो फील्ड बनाता है वो कौन सा फील्ड होगा, उसकी नेचर किस तरह की होगी, या वो कहाँ पे स्ट्रॉन्गर होगा, कहाँ पे वीकर होगा, इन सारी चीज़ों को हमने देखना है। तो इससे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये फील्ड की ओरिजिन क्या है। मसलन फील्ड जो है ये क्या कर सकता है, यानी अगर देखा जाए हमारे पास ग्रेविटेशन की एग्जाम्पल है, अर्थ की है, अर्थ में अट्रैक्ट करती है हमारे ऊपर कौन सी फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी अर्थ जो है हमें टूवर्ड सेंटर खींचेगी। अब क्वेश्चन ये है कि ये फील्ड की जो ओरिजिन है ये कहाँ से है, यानी ग्रेविटेशन फील्ड है, ये फोर्स आती है हमारे ऊपर लगती है, इसका ओरिजिन क्या है। तो बच्चे याद रखना, ये एक मिस्ट्री है, ये आज तक सॉल्व नहीं हो सका कि ग्रेविटेशन फोर्स का ओरिजिन क्या है। इसी तरह ही मैंने आपको समझाया था कि दो चार्जेस होते हैं, लेट्स सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब क्वेश्चन ये अट्रैक्ट क्यों करता है, या इसकी जो फोर्स है इसके ऊपर लगती है, इसे हमने इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम दिया था, उसका ओरिजिन क्या है। तो याद रखें, चाहे ग्रेविटेशन फोर्स है चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स है, इन दोनों के आज तक ओरिजिन हमें नहीं पता चल सके, ये एक मिस्ट्री है। हम इसके लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी, यानी खुदादाद कुव्वत है, हमें नहीं पता कि कहाँ से इसका ओरिजिन है, या चार्ज किस वजह से इसको अपनी तरफ खींचता है हमारे पास। तो ये हमारे पास चीज़ आ जाती है। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास, यानी कि हम देखेंगे कि इस चार्ज के ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी, हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसका हमें ओरिजिन नहीं पता, तो हम ये कह देंगे हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी। यानी अगर पूछे जाए कि ग्रेविटेशन या इलेक्ट्रिक फोर्स का ओरिजिन क्या, तो हम कहेंगे हमें नहीं पता, इसका क्वेश्चन आज तक नहीं पता चल। अब देखना कि चार्ज और दूसरे चार्ज पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, और कौन सी फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक। असल में देखना कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है हमारे पास, हाउ दिस फोर्स इज ट्रांसमिटेड, यानी कैसे ट्रांसमिटेड होती है फ्रॉम वन चार्ज टू एन अदर चार्ज, टू एन अदर चार्ज, कि हमारे पास ये एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक फोर्स ट्रांसमिट कैसे, मसलन ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो किस वजह से करेगा। असल बच्चों याद रखना है कि जो भी चार्ज है वो अपने गिर्द एक फील्ड क्रिएट करता है, उस फील्ड को हम कहते हैं, असल में कौन सा फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास फील्ड कौन सा आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या करता है कि इस फील्ड के थ्रू है वो दूसरे चार्ज के ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। वो अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है, यानी कि अगर तो चार्ज पॉजिटिव है और आने वाला भी कौन सा है, पॉजिटिव है, तो उसको क्या करेगा, वो रिपेल। अगर ये पॉजिटिव है आने वाला नेगेटिव है, तो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा हमारे पास। तो जो फोर्स है एक चार्ज दूसरे चार्ज पे किसके थ्रू लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू लगाता है। हमने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। अब समझिए हमारे पास इस ग्रेविटेशन फील्ड की तरफ आते हैं, हम कह दें कि यहां पे हमारे पास है अर्थ और अर्थ का मास है एम, तो एम हमारे पास है मास ऑफ अर्थ, तो ये हमारे पास कह दें एम इज द मास ऑफ अर्थ। दूसरा मास है स्मॉल एम, हम सपोज करते हैं इसका मास है 1 kg, और एक और मास है उसका है 2 kg। अब जो जमीन है, जमीन का दोनों सेंटर से फासला क्या, दोनों चार्जेस का सेम, दोनों मैसेज का सॉरी फासला क्या है, सेम है, यानी हाइट सेम है दोनों की।
अब हमने देखना है कि हमारे पास इन चार्जेस पे फोर्स कैसे लगती है। असल में अर्थ है, अर्थ के इर्द-गिर्द कौन सा फील्ड होगा हमारे पास बच्चों? ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है कि नहीं? यानी कि जो चीज़ इस फील्ड के अंदर आती जाएगी उसको क्या करती जाएगी? अर्थ अट्रैक्ट करती जाएगी। अब इसका मैस एम इज इक्वल टू 2 kg, इसके ऊपर ज़मीन कितनी फोर्स लगाएगी? जितना इसका क्या होगा? वेट। और वो निकालेंगे एफ इज इक्वल टू एम जी। मैस 2 kg है, यहाँ पे हम जी की वैल्यू सिर्फ समझने के लिए 9.8 नहीं 10 यूज़ करेंगे ताकि आसानी रहे हमें। डब्ल्यू हमारे पास कितना आएगा, या फोर्स हमारे पास कितनी आएगी? एम की वैल्यू कितने की है? 2, और ये 10, और इसके ऊपर फोर्स लगेगी 20 न्यूटन। ठीक हो गया बच्चों? इसके ऊपर फोर्स कितने की लगेगी? 1 × 10, और ये हमारे पास जो फोर्स लगेगी इसे हम कह देंगे 10 न्यूटन। तो जो इसका मैस ज़्यादा है ज़मीन उस पर फोर्स ज़्यादा लगाएगी, जिसका मैस कम है ज़मीन उस पर फोर्स कम लगाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि ज़मीन के ऊपर पहले कौन सा मैस पहुँचेगा? यानी एक चीज़ हल्की है एक चीज़ भारी है, दोनों को छोड़ें तो ज़मीन पर पहले कौन सी चीज़ पहुँचती है? क्वेश्चन हमारा ये है, यानी कि हम ये देखेंगे कि क्या M1 पहुँचेगा या क्या M2 पहुँचेगा। अब देखने से ये लगता है जो भारी है वो ज़मीन पर पहले पहुँचेगी, जो हल्की है वो बाद में पहुंचेगी, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं है हमारे पास। ये हम समझते हैं कि शायद भारी चीज़ जल्दी पहुंचेगी हल्की बाद में। हम इस वजह से देखते हैं कि इस पे फोर्स ज़्यादा लग रही, इस पे फोर्स कम लग रही। लेकिन याद रखें, ज़मीन कभी भी फोर्स से नहीं खींचती, फील्ड से खींचती। अब देखना इसके ऊपर शिद्दत कितनी है और इसके ऊपर कितनी है, ये याद रखना। अब हमने देखना है शिद्दत कितनी है। अगर फील्ड की शिद्दत हमें पता चल जाए तो हम इस चीज़ को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी देखा जाए तो एफ इज इक्वल टू एम जी, जी इज इक्वल टू एफ ओवर एम। तो जी इज इक्वल टू, इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है ज़मीन की? 20 न्यूटन। इसका मैस कितना है बच्चों? 2। तो इसके ऊपर जी की वैल्यू कितने की आएगी? 10। और इसके ऊपर फोर्स आपके पास कितने की है? 10 न्यूटन। मैस इसका कितने का है? 1 kg। तो बताएं जी की वैल्यू दोनों के लिए क्या आ रही है? 10 10 नहीं आ रही। मैंने आपको पहले बताया दोनों मैसेज को छोड़ेंगे तो भारी पहले नहीं पहुंचेगा, भारी है हल्के दोनों एट अ टाइम ज़मीन पे आके लगेंगे। इसका ये मतलब है ज़मीन ने दोनों को किस चीज़ को देख के डिसाइड करना खींचना? जी की वैल्यू। अगर मैस बढ़ेगा, मैस ज़्यादा हुआ फोर्स भी उस पर क्या हो जाएगी? ज़्यादा। मैस कम हुआ फोर्स भी क्या हो जाएगी? कम। लेकिन दोनों के ऊपर आपस रेशियो क्या रहेगी? कांस्टेंट। और असल में ज़मीन खींचती किस वजह से है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ये हम कैसे निकालते हैं? फोर्स पर यूनिट मैस। यानी हमारे पास अर्थ पड़ी है, यहाँ पे जो मैस लेके आ रहे हैं उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, दोनों को डिवाइड कर दें तो हम ग्रेविटेशनल फील्ड की शिद्दत को मालूम कर सकते हैं, या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी से कहते हैं एफ ओवर एम। अब ये याद रखें, मैंने आपको बताया कि चाहे मैस हल्का है चाहे भारी है दोनों एट अ टाइम पहुंचेंगे। इसका मतलब आने वाले मैस पे ये डिपेंड, आने वाला मास ये क्या होती है? आने वाले मैस से इंडिपेंडेंट होती है। चाहे मैस भारी है चाहे हल्का है दोनों बार जी की वैल्यू आएगी 10, यानी कि दोनों एट अ टाइम पहुंचेंगे। अब यह समझते हैं कि इसके ऊपर फोर्स और इसके दरमियान में जो फोर्स होगी वो कितनी होगी? जी इज इक्वल टू एफ ओवर एम। ये मैं आपको यहाँ पे फार्मूला लिखता है, जी इज इक्वल टू एफ ओवर एम। और दो मैस के दरमियान, ज़मीन और इस मैस के दरमियान में फोर्स कितनी होगी असल में? एफ इज इक्वल टू जी एम कैपिटल एम ओवर आर का स्क्वायर। तो इस फार्म में वैल्यू पुट करें, जी इज इक्वल टू एफ ओवर एम, एफ की वैल्यू ओवर एम की वैल्यू। एम एम से क्या हो जाएगी? कैंसिल। तो जी की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर। और मैंने आपको पहले बताया फार्मूला जो जी का आ रहा है फाइनल वो ये आ रहा है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ और इससे फासला। हाँ, अगर हम इससे दूर होते जाएंगे, ज़मीन से जितना दूर होते जाएंगे जी की वैल्यू उतनी क्या होती जाएगी? कम होती। तो ये असल में कॉन्सेप्ट था कि जी इज इक्वल टू द हमारे पास जी एम ओवर आर स्क्वेयर, ये आने वाले मैस पे डिपेंड नहीं करता। इसी सारी चीज़ को असल में ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, ये ग्रेविटेशन फोर्स है, ये आने वाला मैस है। इसी सारी सेंस को सिर्फ हमने इलेक्ट्रिक की फॉर्म में देखना, और इसे हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे हमारे पास फोर्सेज भी लगेंगे। अब इस चीज़ को हम समझते हैं कि हमारे पास कैसे कैसे फोर्सेज ट्रांसमिट होती है।
अच्छा हमारे पास है सपोज करें एक सोर्स चार्ज क्यू कैपिटल क्यू, ये इसे हम कहते हैं सोर्स चार्ज, यानी ये वो वाला चार्ज है जिसका हमने फील्ड मालूम करना है। हम कहते हैं इसके करीब हम एक लेके आते हैं टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, इसे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। इसकी तो प्रॉपर्टी होती है कि ये हमारे पास होता कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, इसकी भी रीज़न होती है कि पॉजिटिव क्यों होते हैं, वो खैर एक बात की डिस्कशन है। ये था हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, और ये इतना छोटा होता है, मतलब हम टेस्ट करना चाहते हैं, फर्ज करें जी अर्थ को, हम एक छोटा मैस लेके आएंगे। अब अर्थ को टेस्ट करने के लिए आपने सूरज को नहीं ले जाना, क्योंकि सूरज इसके साइज में भी बड़ा होगा और उसका फील्ड इस पर क्या करेगा, असर करेगा। तो हम एक ऐसा टेस्ट चार्ज चूज करते हैं कि जिसकी फोर्स दूसरे चार्ज पे डिपेंड ना करे, यानी सिंपल ये है कि इसका जो फील्ड है, फर्ज करें इसका फील्ड है यहाँ पे वी स्ट्रॉन्ग, तो जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे फील्ड क्या होता जाएगा, वीक होता है। तो यानी कि हमने इस तरह का चार्ज लेके आना कि आने वाला पहले वाले फील्ड को ख़राब ना करे, उस पर किसी भी तरह का असर ना छोड़े। तो टेस्ट चार्ज हमारे पास स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, जो कि इतना स्मॉल होता है कि आने वाले चार्ज जिसकी फील्ड में आ रहा है उसको डिस्टॉर्ट नहीं करता, ठीक है कि नहीं, कैन नॉट डिस्टॉर्टेड द फील्ड दैट इज बीइंग टेस्टेड, दैट इज बीइंग, यानी कि जिसको फील्ड को टेस्ट करना है उसको ख़राब ये ना कर सके। इस चार्ज को हम असल में कहते हैं टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज क्या होता है, वो वाला चार्ज होता है जिसका फील्ड टेस्ट करना होता है या जिसके गिर्द फील्ड बनता है। अब हम पहले डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। किसी भी चार्ज के गिर्द वो वाला इलाका जहाँ तक इलेक्ट्रिक फोर्स लग सकते हैं, ये वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या कर सकता है महसूस, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी द रीजन अराउंड द चार्ज, द रीजन अराउंड द चार्ज इन विच इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड यानी चार्ज के गिर्द वो वाला इलाका जहां तक कोई दूसरा चार्ज इसका फील्ड महसूस करे, इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी फेल्ड बाय एन अदर चार्ज, अदर पॉइंट चार्ज आप यूज कर लें यहाँ पे वर्ड, ठीक है कि नहीं, अदर चार्ज या पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज कह सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है, ठीक है कि नहीं। तो ये आपने याद रखना है, किसकी डेफिनेशन आ रही है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए आप यहाँ पे टेस्ट चार्ज भी शक लिख लें, टेस्ट चार्ज, ठीक है कि नहीं। अब देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस तरह जमीन के गिर्द वो वाला इलाका जहां तक ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर सकती है, सिंपल चार्ज गिर्द वो वाला इलाका जहां तक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर सकती है, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दे देते हैं। अब हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, असल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिस तरह ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी क्या है, फोर्स पर यूनिट मास, ये मास होता आने वाला, यहाँ पे आने वाला चार्ज कौन सा, क्यू नॉट, इसको ये कोई भी चार्ज सपोज करे पॉजिटिव तो इसको क्या करेगा, रिपेल, अगर ये होगा नेगेटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो कितनी फोर्स आने वाले चार्ज पे पहला पड़ा हुआ चार्ज लगा रहा है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये हमारे पास होती है ई, और इसको हम कहते हैं ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज, आने वाले चार्ज, जिस तरह हम कहते हैं फोर्स पर यूनिट मास। अब ये जो फील्ड है, ये जो आपस जनरेट हो रहा है, ये इस चार्ज का है, इसका नहीं है, इसकी मदद से सिर्फ टेस्ट करना है, बिल्कुल ऐसे जैसे अर्थ दरमियान में पड़ी है, हमने देखना है कहाँ तक इसका ग्रेविटेशन फील्ड है। तो फील्ड जो है अर्थ की प्रॉपर्टी है, आने वाले चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है। तो मैंने आपको पहले कहा है कि जो जी है वो ज़मीन का है, इस वजह से वो आने वाले मास पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे भी हमने यही प्रूफ करना है कि जो फील्ड है ये इसकी प्रॉपर्टी है, आने वाले की प्रॉपर्टी नहीं है, तो सो इस पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी हमारे पास, हमें ऐसा लग रहा है जैसे चार्ज छोटा होगा तो उस पर फोर्स भी छोटी लगेगी, चार्ज ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा, दोनों की रेशियो क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन, या इसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी आप लोग कहते हैं,
इसे कहते हैं द फोर्स, द इलेक्ट्रिक फोर्स, द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉल, पर यूनिट चार्ज, यहां पे इसे टेस्ट चार्ज भी कह सकते, चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है कि नहीं बच्चों, ये हमारे पास चीज होगी। अब देखने इसका यूनिट क्या होगा, हमारे पास फोर्स का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन, और इसका कूलम, तो ये आएगा न्यूटन पर कूलम। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट आ गया हमारे पास। अब देखना कि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, यानी हमारे पास ई एंड एफ हैव द सेम। मसलन इधर को अगर फोर्स लग रही है, ये चार्ज फोर्स करें पॉजिटिव है, तो फोर्स की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, यही वाली होगी। तो हमारे पास ई एंड एफ, एफ हैव द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। ठीक है कि नहीं हमारे पास ये। अब ये देखना है कि हमारे पास जो ई है, एफ, ई हमारे पास क्या है, फोर्स बिटवीन द चार्जेस। अब यहां से लेके सपोज करें यहां तक हम दो चार्जेस के दरमियान में फासला आर ले लेते, डिस्टेंस आर है, लगी समझ बच्चों इसकी कि नहीं। तो हमारे पास जो फोर्स आएगी एफ इज इक्वल टू, वो कितनी आएगी, के, दो चार्जेस को मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे चार्ज सोर्स चार्ज क्यू, आने वाला चार्ज क्यू नॉट ओवर आर का स्क्वायर, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाती है। ई हमारे पास क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, हम मैग्नीट्यूड की भी बात कर रहे हैं, फोर्स की वैल्यू पुट कर दें, वन ओवर क्यू नॉट इन टू के क्यू, क्यू नॉट ओवर आर का स्क्वायर। होगी चीज़ क्लियर यहाँ तक, यानी कि पहले हमने फोर्स फाइंड कर ली, फिर हमने E पहले फाइंड किया, E के ऊपर फोर्स की वैल्यू, बिल्कुल ऐसे जैसे G F ओवर M है, यहाँ पे पहले फोर्स निकाली और फोर्स की हम वैल्यू पुट, बस ये तीन स्टेप कर रहे हैं। Q Q नॉट से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल, तो जो E की वैल्यू आएगी वो आएगी K सोर्स चार्ज ओवर R का स्क्वायर, K की वैल्यू होती है वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम पुट कर देंगे। अगर हम इसकी वैक्टर फॉर्म देखेंगे, हमारे पास इसकी डायरेक्शन कैसे निकाल लें, तो ई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, तो हमारे पास क्या डायरेक्शन आएगी, ई इज इक्वल टू वन ओवर, सॉरी यहाँ पे आप के पुट कर लें, सोर्स चार्ज ओवर आर का स्क्वायर इनटू आर यूनिट वेक्टर, तो ई इज इक्वल टू वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर इनटू आर यूनिट वेक्टर। यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर है वो कहाँ से कहाँ होता है, आपने देखना फोर्स की डायरेक्शन किधर से किधर है, फोर्स जो लग रही है वो क्यू से किसकी तरफ लग रही है, क्यू नॉट की तरफ, तो हमारे पास यहाँ पे जो आर यूनिट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम कैपिटल क्यू टू क्यू नॉट होगी हमारे पास, तो ये हमारे पास आर की डायरेक्शन। अब गौर करें जितना फासला हम इससे दूर होते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी कम, जैसे हम अर्थ से जितना दूर होते जाएंगे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम। अब यह है कि अगर हम अर्थ की जगह दरमियान में चांद को रख लें, यानी कि हम पहले एक्सपेरिमेंट अर्थ पे किया है, फिर जाके हमने वही एक्सपेरिमेंट चांद पे किया, जी की वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा होगी, अर्थ पे, कहाँ पे कम होगी, चांद पे। रीज़न क्या है, जब हम चांद पे जाएंगे तो वहाँ पे जाके मैस क्या हो जाएगा, कम, फासला अगर हम उतना ही सपोज किया है, जहाँ पे मैस कम होगा वहाँ पे जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि जब तक हमारा सेंट्रल चीज़ नहीं चेंज होगी हमारी उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ पे जो जी है वो ज़मीन की प्रॉपर्टी, इस वजह से कुछ और होगा, अगर हम चांद पे चले गए तो वहाँ पे जी की वैल्यू कुछ और होगी, अगर हम सूरज पे चले गए हैं तो जी की वैल्यू कुछ और होगी। तो यहाँ तक होगी बच्चों चीज़ क्लियर कि नहीं होगी। आने वाला चार्ज चाहे वन कूलम का सपोज कर समझने के लिए, चाहे टू कूलम का, चाहे थ्री कूलम का, आपने देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे निकालनी तो के अंदर रखा हुआ चार्ज उससे फासला, इस पॉइंट का भी सपोज करें और इस पॉइंट का भी, तीनों पॉइंट का फासला सेम है तो तीनों जगह शिद्दत भी क्या होगी, सेम होगी। तो ये चीज़ याद रखनी है, ये डिपेंड करती है सोर्स चार्ज पे, उससे फासले पे, और लास्ट चीज़ है मीडियम, ये हमारे पास वैक्यूम में वैल्यू आई है। अगर मीडियम की बात करेंगे तो वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में जो फैक्टर मल्टीप्लाई होगा वो जौन सा मीडियम रखा है उसकी रिलेटिविटी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे बच्चे एक दो चीज़ें हैं जो हमारे पास है कि इसके गिर जो डॉट हैं वो डॉट बुक के ऊपर आपस इसके करीब करीब ज़्यादा लगे हैं। असल में जो डॉट्स हैं वो डिफाइन करते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड,
जहाँ पे डॉट्स करीब करीब स्ट्रेंथ से ज़्यादा होगी, जैसे दूर होते जाएंगे डॉट्स की मैग्नीट्यूड, वो जो डॉट्स है उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, कम, और जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी क्या होती रहती है, डिक्रीज। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये डिपेंड किस किस पे कर रहा होता है। अगर इसमें से कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको इसका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।